इतने घर में घुस मत जाइयो, बधक्के मार के निकालूंगा और बच्चे से नहीं मिलने दूंगा। भाई वो मेरा बच्चा है तो ठीक है, उससे कैसे नहीं मिलने दोगे। तभी मैंने वो चीज लिखी कि अब मुझे हृदय चाहिए। काफी लोगों का ये कहना था कि स्नेहा सचदेवा जब से हृदय को पारस ठकराल के पास छोड़ के गई है तो एक बार भी उन्होंने हृदय का हाल चाल नहीं पूछा। काफी लोगों की बातें सुनने के बाद स्नेहा सचदेवा ने अपनी एक सोशल मीडिया पे वीडियो शेयर किया जिसमें स्नेहा सचदेवा का कहना है कि मैं ना जाने कितनी बार पारस ठकराल के घर आई अपने बेटे हृदय से मिलने के लिए, मगर पारस ठकराल ने हर बार मुझे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। स्नेहा सचदेवा का सोशल मीडिया पे यह भी कहना है कि मैं जानती हूँ पारस ठकराल मेरे बेटे हृदय को इतनी जल्द जल्द इस लड़की से क्यों मिलवा रहे हैं, ताकि पारस ठकराल मेरे बेटे हृदय की दिल से मेरी यादें मिटा सके, मगर मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। स्नेहा सचदेवा का यह भी कहना है कि मैंने ठान ली है अब मैं पारस ठकराल से अपने बेटे हृदय की कस्टडी वापस लेकर ही रहूंगी। ये एक माँ की ममता है, माँ की ममता कभी कमजोर नहीं होती। फाइनली स्नेहा सचदेवा ने पारस ठकराल को वार्निंग दी है कि वो हृदय की कस्टडी वापस लेकर ही रहेगी। क्या आपको भी लगता है कि पारस ठकराल स्नेहा सचदेवा को हृदय वापस देंगे? मुझे कमेंट्स में लाजम बताएं, मुझे रहेगा आपकी कमेंट्स का इंतजार। अगर वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगली वीडियो तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल।